जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज 3 जनवरी है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनका जन्म दिवस है। देश की पहली महिला शिक्षिका कही जाती है, उनके बारे में जानते हैं, विचार लेते हैं बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से। जय भीम साहब, आपका स्वागत है सम्यक इंडिया टीवी में। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हेमंत जी। आज देखिएगा, ये 3 जनवरी है, भारतवर्ष की पहली शिक्षिका का जन्मदिन है, उनकी जयंती है आज। और हेमंत, ये जो आज एंकर हैं हमारे, इनका नाम हेमंत है। हेमंत का मतलब होता है सर्दी, है शीत। और माता सावित्रीबाई का जो जन्मदिन है 3 जनवरी, वो ऐसी मौसम में आता है। आप देख रहे ना मेरा हाल, तो ये इसकी ऋतु से बचाव के लिए है। तो जन सदियों से अत्याचारों की भट्टी में जो पिस्ता समाज आ रहा था, उसको सम्मान की, न्याय की शीतलता में लाने का काम एक युगांतरकारी दंपति मियां बीवी, कौन? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिसे हम कहते हैं महामाना ज्योतिबा फूले, और माता सावित्रीबाई, इन्होंने करके दिखाया। उनका जन्म, जैसा कि आपको पता है, आज उनका जन्मदिन है तो 3 जनवरी, मगर 1831 सन है उनके जन्म का। वो मात्र 66 वर्ष तक ही जीवित रह पाई थी, और उनका 1897 में 10 मार्च को उनका निधन हो गया था। ये 66 साल की उनकी जो जिंदगी थी, भारतवर्ष के सामाजिक तौर से प्रताड़ित समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हुई, उनके पति देव की और उन इनकी सावित्रीबाई की। ये तो एक साधारण से माली जाति के परिवार में पैदा हुई थी। उनका एक बगीचा था, फूल का वो काम करते थे, मगर बच्ची बचपन से बड़ी नटखट, बड़ी होनहार। सावित्री के घर सम्मानित था, अपने समाज में प्रतिष्ठित था। जो लोग उनके घरों में अपनी समस्याओं को लेकर के आते थे, कभी कभी तो सावित्री उछल करके आ जाती और अपने बाप के बात के बीच में बोल पड़ती कि पिताजी ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, वो सुझाव देती थी। तो ये उसका बचपन का हाल था। प्रायः वो युग ऐसा था, पिछली शताब्दी का मध्य है, कि बाल विवाह बहुत जोरों पर प्रचलित थे। ज़्यादातर इस देश के पिछड़े वर्ग में, अछूत वर्ग में, आदिवासियों में बाल विवाह बड़े प्रचुरता से होते थे। आप जितने भी पुराने महापुरुष हैं उनको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया था, छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। तो हमारी जो नायिका है आज की, सावित्रीबाई, उसका भी छोटी उम्र में विवाह हो गया। विवाह किससे हुआ? ज्योतिबा फूले से। जिस घर में वो आई, ससुराल में, ज्योतिबा फूले के जो पिताजी थे खंडोजी नेव से, वो बहुत दक्षिणानुसी थे, बहुत रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स थे। किस मायने में? कि कोई भी निर्णय लेना है तो गांव के पुरोहित से, ब्राह्मण से पूछकर सारे काम करते थे। ये उनके जीवन का एक दुखद अध्याय था। उनका जो बेटा था वो विद्रोही स्वभाव का था। विद्रोह किससे? अंध मान्यताओं से, स्थापित रूढ़ियों से। और उसके घर में जब सावित्री आई तो उसने क्या देखा कि मेरा बेटा तो था ही विद्रोही, इसकी बहू भी इसका साथ देती है, ये भी विद्रोही हो गई। तो पुरोहित जी के कहने से, पंडित जी के कहने से, पंडित जी के बहकाने से, पंडित जी के द्वारा कान भरे जाने से, उन्होंने अपने जवान बहू बेटी को अपने घर से ही निकाल दिया। क्योंकि उसको डरा दिया गया था कि अगर ये अनर्थ हुआ, तेरे बच्चे अगर पढ़ गए, तेरे बच्चे अगर शिक्षित अर्जित करने लगे, तो इससे प्रकोप होगा, परमपिता परमात्मा नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा अगला जन्म नरक में होगा।
वो दक्षिणोषी तो थे, वो उनसे डर गए और डर गए, और जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, अंधविश्वासी व्यक्ति होता है, वो तो अपने अंधविश्वासों के चलते बच्चों का कत्ल तक कर देता है, लोग अपनी भी जान तक दे देते हैं। तो उन्होंने अपने आगे देखा ना पीछा देखा, अपने होनहार बेटे और सुघड़ बहू सावित्री को घर से निकाल दिया। जब उनको घर से निकाल दिया तो वो सड़क पर आ गए। एक अच्छी बात हुई कि फातिमा शेख नाम की एक मुसलमान औरत, बड़ी उदार, बड़ा दिल उसका साफ, कोई पक्षपात नहीं, किसी को भी दुखी देखकर जो पसीज जाते थे, किसी को भी दुखी देखकर जो रोने लगते थे, किसी को भी दुखी देखकर जो उनकी मदद करने को तैयार हो जाते थे, उन्होंने जब देखा कि ये खूबसूरत बालिका नववधू सावित्री और उसका हट्टा कट्टा पति सब तरह से समर्थ होते हुए भी इसके पति द्वारा, यानी कि सावित्री बाई के ससुर द्वारा इनको घर से निकाल दिया गया है, तो उसने उनसे बात की और उनकी मदद करने की पेशकश की। पेशकश क्या की? उन्होंने कहा तुम मेरे घर में रहो, मेरा घर तुम्हारा घर। ज्योतिबा फूले एक शिक्षा का मंत्र ले आए थे अपनी छोटी उम्र में ही, जो क्षीर सागर उनकी मौसी की लड़की थी, उनके साथ वो एक अंग्रेज के यहाँ जाते थे, वहीं पर उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीखा और प्राइमरी शिक्षा अर्जित की। इतनी शिक्षा के बल पर ही उन्होंने सावित्री को भी तैयार कर लिया, सावित्री भी लिखने पढ़ने लगी। वो खेत में जाते, उनके पास सलेट नहीं होती थी, कापी पेंसिल नहीं होती थी, और जो तख्ती पहले पट्टी चलती थी ना वो नहीं होता था। वो क्या करते थे, पेड़ के नीचे जो रेत पड़ा होता था उस रेत पर उंगलियों से अक्षर ज्ञान लिख लिख करके करते थे, या कोई टहनी पकड़ ली, छोटी सी लकड़ी पकड़ ली, उसको जमीन में उरेक करके अक्षर लिखते थे। उससे उन्होंने सावित्री बाई को पढ़ने लिखने में प्रवीण बनाया। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, क्योंकि लोक कल्याण की भावना से प्रभावित होने के कारण उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमारी जो आज ये बद स्थिति हुई है, दुर्दशा हुई है, वो इस वजह से हुई है कि हमारे पिताजी शिक्षित नहीं हैं, अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, आओ चलो हम अपनी आगे की पीढ़ियों को शिक्षित करने का काम करेंगे। सावित्री बाई अपने पति के साथ होली और फातिमा शेख को नमन, जिसने अपना मकान उनको बिना किराए के उपलब्ध करा दिया, पहली पाठशाला। इस देश के वंचित समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, उसकी एक पहली पाठशाला सदियों के बाद खुली, फातिमा शेख के मकान में खुली। और पहली शिक्षिका, भारतवर्ष की पहली नारी शिक्षिका, नारी टीचर, मास्टरनी कौन बनी? ऐतिहासिक सावित्रीबाई फूले बनी। इसलिए हम उनको ज्ञान ज्योति कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले। उसने महिला को शिक्षित करने का काम किया, समाज में जागृति आने लगी, क्योंकि महापुरुष कहते हैं, बाबा साहब भी कह के गए हैं, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना इतिहास रच नहीं सकता। इस युवा दंपति ने इतिहास लिखने का निर्णय लिया, इतिहास रचने का निर्णय लिया, और जो धारा चल रही थी सामाजिक और धार्मिक धारा, उसके विपरीत चलकर उन्होंने कुछ समाज को शिक्षित करने का काम किया। मगर साथियों याद रखना, प्रवाह के अनुकूल तो तिनका भी तैर जाता है। जिधर नदी का प्रवाह जा रहा है उधर तो तिनका भी डाल दोगे तो उसके साथ बह जाएगा। इसमें कोई पराक्रम नहीं, इसमें कोई बड़प्पन नहीं, मगर प्रवाह के विरुद्ध जो तैरते हैं, प्रवाह के विरुद्ध जो जाते हैं, वही क्रांतिकारी होते हैं, वही इतिहास पुरुष होते हैं। आज हम माता सावित्री बाई को उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनके जाने के 100 साल से ज़्यादा बाद भी अगर सम्मान के साथ याद कर रहे हैं, तो इसलिए याद कर रहे हैं कि उनका जीवन पराक्रमी था। उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ कार्य किए थे। उस समय में एक बड़ी विकट प्रथा थी, यद्यपि हम लोगों में नहीं थी, पिछड़ों में नहीं थी, अछूतों में नहीं थी, आदिवासियों में नहीं थी, वो क्या थी कि विधवा विवाह नहीं होता था। कोई स्त्री विधवा हो गई
तो उसको दूसरा विवाह करने की इजाजत नहीं थी, मगर एक उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, दुष्परिणाम क्या हुआ कि वो महिला जो विधवा होती थी वो जिस परिवार में रहती थी उस परिवार के लोग ही उसको दूषित करते थे, और कभी कभी ये विधवाएं गर्भधारण कर लेती थी। जगह जगह से समाचार आते थे कि किसी का एक नव प्रसूत नवजात बच्चा फला जगह पेड़ के नीचे पड़ा है, फला जगह कुएं में पड़ा है, जोड़ में पोखर में पड़ा है, नदी में बहता जा रहा है। इस विकट स्थिति का ब्यौरा लेकर के सावित्रीबाई फूले का दिल चीख उठा, रो उठा कि लगा हमें इसका प्रबंध करना चाहिए। ये अनर्थ जो चल रहा है समाज की विधवा महिलाओं के साथ में, उसको रोकना चाहिए। उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, जिसको आप कह सकते हैं एक अनाथ आश्रम खोला, और उसमें क्या होता था, उन्होंने उस आश्रम के बाहर एक पालना रखा और उस पर लिखा कि आप अपने असुरक्षित बच्चों को, जो तुम्हारे अवैध बच्चे हैं, उनको मारो मत, उनको नदी में कुएं में पोखर में फेंको मत, उनकी हत्या मत करो, उनको हमें दो, हम उनके माँ बाप बनकर उनको पालेंगे। आप खाली चाहे रात के अंधेरे में कभी भी इस पालने में उसको रख जाना। रोज वहाँ बच्चे आने लगे और सावित्री बाई अपने बच्चों की तरह, क्योंकि उनको तो अपने बच्चे थे नहीं, तो उन्होंने इस तरीके से दुनिया के अनाथ बच्चों को, अवैध बच्चों को अपनी संतान बना करके पालना शुरू किया। जिस दिन भी पालने में कोई बच्चा आता उसकी किलकारी सुनाई देती, सावित्री बाई फूले खिल जाती, खुशी के मारे झूम जाती कि तुझे आज एक और सेवा का अवसर मिला, तुझे आज एक और बच्चे के प्राण बचाने की उपलब्धि अर्जित करने का अवसर मिला, उसके खुशियां दौड़ जाती थी। जब गांव में आसपास निर्धनता का आलम था, कोई रोग फैल जाता था, पति पत्नी दोनों अपने घर से दवाइयां लेकर, अपने पैसों से दवाइयां लेकर उनकी सुरक्षा के लिए निकल जाती, उनकी जान बचाने के लिए निकल जाती, ये कोई कम बात न थी। एक जो उदाहरण है वो ये है कि अछूत बच्चों को कोई शिक्षित नहीं करता था, सब स्कूल दर बंद होते थे उनके लिए, मगर इन्होंने अछूत बच्चों के लिए स्पेशल पाठशालाएं बनाई। उनको एक बालिका मिली, उसका नाम है मुक्ता सालवे, मांग मातंग जाति की थी, पढ़ना चाहती थी, मगर स्कूल में जो वो गई उसको धक्के देकर भगा दिया, उसको भी उसके बाप को भी। जब सावित्री बाई को पता चला तो सावित्री बाई ने उसको अपने स्कूल में प्रवेश दिया, वो वहाँ पढ़ने लगी। वो जब कक्षा एक के बाद एक कक्षा पास करने लगी तो एक दिन अंतर विद्यालय कंपटीशन निबंध प्रतियोगिता ऐसे कंपटीशन हुआ, उसमें वो मुक्ता सालवे भी गई। मुक्ता सालवे कौन थी, सालवे गुरुजी की भतीजी थी, जो बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, जो अखाड़े की विद्या में बड़े प्रवीण थे, जिनके अखाड़े में ज्योतिबा फूले भी और लोकमाल बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रैक्टिस की थी, ऐसे थे। मुक्ता सालवे ने उस परीक्षा में जब भाग लिया, वो अंकों से उसको पारितोषित दिया गया, सम्मानित किया गया। कितनी बड़ी उपलब्धि है सावित्री बाई के जीवन की कि वो बिल्कुल वंचित समाज, जिनको पशु तुल्य समाज लिया गया था, उनको अब क्या है, अब उनको सम्मानित किया जा रहा है। उसने जो एक निबंध लिखा था वो निबंध आज भी प्रासंगिक है, और हमने उसे मराठी भाषा में जो प्राप्त किया था, हमने उसको ये जो किताब लिखी है सावित्रीबाई फूले पर, बड़ी प्रसिद्ध किताब हो गई। देखते देखते सावित्रीबाई फूले की हिंदी भाषा में सबसे बड़ी किताब है ये। इसको जब उनको पुरस्कार मिलने लगा तो संसार की रीत बदलने लगी। बच्चों को लोग पढ़ाने नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे उच्च जाति के लोग हमको प्रताड़ित करेंगे, हमको तंग करेंगे, हमको पीड़ा पहुंचाएंगे। मगर सावित्रीबाई फूले ने कदम उठाया, क्रांतिकारी कदम उठाया, और कदम उठाने से एक ने अपना बच्चा भेजा, दूसरे ने बेचा, एक को एक देख करके वो भय मुक्त होने लगा, अपने बच्चों को भेजने लगे। एक बात बड़ी प्रेरित करती है, वो जाति पीड़ित थे, मगर उन्होंने जिन्होंने उनको पीड़ित किया वो उनके भी उद्धारक बने,
एक दिन की बात, ज्योतिबा फूले किसी काम से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला जो गर्भवती थी पुल के ऊपर चढ़ के अभी कूदना ही चाहती थी अपनी हत्या करने के लिए। तुरंत महामना ज्योतिबा फूले वहां गए और उसको कहा, रुक, क्या कर रही है तू? उसको अपने घर ले आए। घर ले आए, घर लाकर महामना ज्योतिबा फूले ने सावित्री को बताया कि ये तो अपने खुदकुशी करने जा रही थी, अपनी हत्या करने जा रही थी और पुल से कूदकर अपने प्राण गंवाने जा रही थी। सावित्री बाई ने उस महिला को, जो ब्राह्मण थी और विधवा थी और उसको उसके ससुर ने दूषित कर दिया था, उसने अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, आज से तू अब हमारे संरक्षण में रहेगी और हम तेरी सुरक्षित प्रसूति कराएंगे, तेरा जापा कराएंगे, तेरी डिलीवरी कराएंगे। डिलीवरी हुई, उस डिलीवरी में उसकी मृत्यु हो गई, मगर बच्चा उनके हाथ लग गया। और जो बच्चा उनको हाथ लग गया, उन्होंने संकल्प लिया, अब इसको हम पालेंगे, अब हम इसका पालन पोषण करेंगे। उन्होंने उस बच्चे को पाला पोसा और उसका नाम क्या रखा? यशवंत। यशवंत का मतलब जीत, विजय। काहे पे विजय? कि हमारे ऊपर जिन्होंने हम सदियों तक अत्याचार किए, हमें प्रताड़ित किया, हम उस द्वेष भावना को जीतकर अब हम उन पर करुणा की वर्षा करेंगे। ये सावित्रीबाई फूले का दर्शन, मानव कल्याणकारी दर्शन। सारी दुनिया आज उनके प्रति यदि नतमस्तक है तो वो इसलिए कि जो उनके विरोध में थे उन पर भी उन्होंने दया, उन पर भी करुणा की वर्षा की, उनके बच्चे को पाला। यशवंत पढ़ लिख कर जब डॉक्टर बना, सावित्री बाई फूले ने अपने पति की संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी और वो फिर बाद में डॉक्टर बना। तो साथियों, हमारे ज्योतिबा फूले भी महामारी फैल गई थी उसमें अपने गरीब लोगों की इलाज करते करते उनकी भी जान गई, और बाद में सावित्रीबाई फूले की भी एक महामारी में रक्षा, लोगों की रक्षा करते करते उनकी जान गई। वो जीवन भर लोग उनको गाली देते रहे। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो इस देश के पुरोहित लोग, इस देश के ब्राह्मण लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, और बेचारी सावित्री बाई क्या करती? वो दो साड़ियां लेकर के आती थी। एक साड़ी वो होती थी जो रास्ते में गंदी हो जाए तो मैं स्कूल में जाके दूसरी साड़ी पहन लूँगी। इस तरीके से जुल्म और अत्याचार सहते सहते उन्होंने सारा काम किया। वो दुनिया उन पर, इस देश के सवर्ण लोग पत्थर बरसाते रहे और वो करुणा बरसाती रही। वो लोग उन पर गोबर फेंकते रहे, वो उनके लिए आशीष देती रही। लोग उन पर गोबर फेंकते रहे, कीचड़ फेंकते रहे, और वो उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करती रही। ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई हॉस्टल खोले, स्कूल खोले, कई चिकित्सालय खोले और अनाथ आश्रम खोले, बच्चों का पालन पोषण किया। आज सावित्री बाई फूले हमारे बीच में नहीं है, मगर असली सावित्री अगर कोई है तो हमारी माता सावित्री बाई फूले है। आओ, हम उनको नमन करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और अपने पराक्रम से इस इतिहास को बदलने की ठानते हैं। यही आज का संदेश है। तो बच्चों, अपने महापुरुषों का ज्ञान प्राप्त करना, अपने महापुरुषों के संबंधित साहित्य को पढ़ना और उसे पढ़ने के बाद औरों को बताना, औरों को पढ़ाना और समाज को इसी प्रकार से आगे बढ़ाना। इस संबंध में एक छोटी किताब है, ये जो आप देखेंगे, ये कम इसमें सारी बातें हैं मगर कम उसमें हैं। एक सबसे पुरानी किताब हमारी लिखी हुई, वो है सावित्रीबाई सचित्र जीवनी। इसमें एक तरफ चित्र है, एक तरफ मेटल लिखा हुआ है, सावित्रीबाई फूले के ऐतिहासिक भाषण। ये भी हमारी एक किताब है सावित्रीबाई के संबंध में। हिंदी में सबसे ज़्यादा साहित्य छापने का श्रेय सम्यक प्रकाशन को प्राप्त है। तो साथियों, आज आप संकल्प लीजिए, अपने महापुरुषों को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं, उनकी गौरव गाथा को जिंदा रखना चाहते हैं, तो उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान का प्रसार करो, ज्ञान को फैलाओ। इसके अलावा मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय सावित्री, जय फूले, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बोधाचार्य जी का।
क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले के बारे में जो गौरव गाथा आपने बताई, जो हमने शायद कुछ हम जानते नहीं थे उन चीज़ों के बारे में, आपने उसको हमें ज्ञान दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, अमूल्य कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। जय भीम, जय भारत।